फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी ब्रेड की रेसिपी में अगर आपको मैदा या ऑल पर्पस फ्लावर को रिप्लेस करना है गेहूं के आटे से, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम हमेशा ऑप्शंस ढूंढते रहते हैं एक ब्रेड रेसिपी में मैदा को सब्स्टिट्यूट करने के लिए गेहूं के आटे से या किसी भी और हेल्दी फ्लावर से, लेकिन जब हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जो ब्रेड बनता है, जो फाइनल रिजल्ट आता है, वो ड्राई, डेंस और क्रम्बली होता है। सो आज हम उसके पीछे के रीजंस देखेंगे और मैं आपके साथ शेयर करूंगी थोड़े से टिप्स, साथ ही मैं बताऊंगी मैं आपको परसेंटेजेस और रेशियोज जिनकी मदद से अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे भी तो आपका जो एंड रिजल्ट है वो उतना इफेक्ट नहीं करेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है जब आप कोई भी फ्लावर को चूज करते हैं अपने ब्रेड डो के लिए, वो है उस फ्लावर का प्रोटीन कंटेंट। प्रोटीन कंटेंट जो होता है वो हर एक फ्लावर का अपना अलग अलग प्रोटीन कंटेंट होता है और वो डिटरमाइन करता है कि आपकी ब्रेड का फाइनल टेक्सचर और रिजल्ट कैसा होगा। हायर प्रोटीन फ्लावर्स होते हैं, वो जो ब्रेड उनसे बनती है वो डेंस और क्रस्टी यानी कि हार्ड होती है, और लोअर प्रोटीन कंटेंट वाले जो फ्लावर्स होते हैं उसकी जो रिजल्ट मिलता है हमें वो होती है लाइट, एरी और सॉफ्ट ब्रेड्स। सो यूजुअली जो मैदा होता है उसका जो प्रोटीन कंटेंट है वो कम होता है, और जो दूसरे हेल्दियर अल्टरनेटिव वाले फ्लावर्स होते हैं उनका जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब हम देखते हैं कुछ कॉमनली यूज्ड फ्लावर्स का प्रोटीन कंटेंट। सो आप देख सकते हैं कि गेहूं के आटे में 14% है, ब्रेड फ्लावर में 12 से 13% और मैदा में होता है 11 से 12%। दूसरे जो हेल्थियर फ्लावर्स होते हैं जैसे कि मल्टीग्रेन फ्लावर, राई फ्लावर, रागी फ्लावर, उनके प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा हाई होते हैं, इस वजह से उनके ब्रेड्स थोड़े से ज्यादा हार्ड और डेंस बनते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है मॉइस्चर कंटेंट। अगर आप फ्लावर को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यानी कि मैदा को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं गेहूं के आटे से या किसी भी और हेल्दियर फ्लावर से, सो आपको मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा देना है, यानी कि जो भी रेसिपी में मेंशन है लिक्विड या पानी का प्रपोर्शन, उससे आपको ज्यादा प्रपोर्शन में लिक्विड ऐड करना है। अब हम देखते हैं कि आप सब्स्टिट्यूट का परसेंटेज कितना रख सकते हैं गेहूं के आटे या कोई भी हेल्दियर फ्लावर का मैदा से, जिससे आपके जो ब्रेड का रिजल्ट है वो इफेक्ट नहीं होता है। सो 100% मैदा को आप रिप्लेस कर सकते हैं 50% गेहूं के आटे और 50% मैदा से, या आप ले सकते हैं 25% मल्टीग्रेन फ्लावर और 75% मैदा, या तो फिर आप ले सकते हैं 25% ईच गेहूं का आटा और मल्टीग्रेन फ्लावर और 50% मैदा। इन सभी को यूज करने से आपका जो ब्रेड का एंड रिजल्ट है उसमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप हेल्दियर अल्टरनेटिव वाला ब्रेड बनाना चाहते हैं जो कि 100% गेहूं के आटे का है, या तो आप कॉम्बिनेशन देना चाहते हैं मल्टीग्रेन फ्लावर और गेहूं के आटे का, तो आपको यूज करना पड़ेगा उसके लिए जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्ज मेथड ब्रेड बेकिंग में। उससे आपका जो गेहूं के आटे का ब्रेड है वो परफेक्ट बनेगा। मैं ऑलरेडी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ 100% व्हीट ब्रेड बनाने की स्पॉन्ज मेथड से, और वीडियो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगी, क्योंकि रेगुलर मेथड से आपका जो ब्रेड है वो अच्छा नहीं बनेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर।